गाना बजाओ। सो फ्रेंड्स, आज का प्रीव्यू स्टेटस आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि गाइज आपके हर एक कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। तो गाइज, इस तरह का स्टेटस बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसका नाम है एलाइट मोशन। एलाइट मोशन को मेरे आप टेलीग्राम चैनल से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर भी ऐसे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम पर भी इसका जो है लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी इजीली आप यहाँ पर देख सकते हो। उसका लिंक मैंने पिन कर दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट और एक शेक इफेक्ट करके लिंक दी गई है, आपको सिंपली उस पर टैप करना है, वो आपको डायरेक्टली एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर देगा। तो गाइज, चलिए यहाँ से वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि गाइज, जो भी भाई हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज आपका भाई हमेशा ऐसे एडिटिंग लेके आता रहता है। सो ओके फ्रेंड्स, तो गाइज आपको अपने एलाइट मोशन में बिट मार्क प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में हमारा जो एक फोटो है उसको 9x60 के रेशियो में सेव करना है, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है कि 9x60 के फोर्स मतलब रेशियो में रखने के लिए प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा, देन यहाँ से 9x60 के रेशियो पर क्लिक करके यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडियम चले जाना है और अपने यहाँ से फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी फाइल में आपको फोटो हो। तो गाइज मैं यहाँ से एक फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन इसी तरह से आपको भी कुछ सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे फोटो ये वाला फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देन यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे सेट कर देना है। और गाइज सेट करने के बाद आपको यहाँ पे तीर वाले आइकन पे क्लिक करके करंट फ्रेम एस पीएनजी पे सेव कर देना है, ठीक है। तो गाइज देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है। देन यहाँ से आपको हो जाना है बैक और अपना सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन करना है। और गाइज हमारा जो रेड वाला लेयर है आपको सिंपली उस पर टैप करना है। तो गाइज यहाँ से टैप करने के बाद आपको क्या करना है, कलर एंड फिल का ऑप्शन में चले जाना है और स्टार वाला ऑप्शन पर क्लिक करके हमने जिस भी फाइल में मतलब उस फोटो को भी सेट किया है 9x60 में उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो गाइज इस तरह से कुछ ऐड हो जाएगा हमारा फोटो। देन आपको क्या करना है कि आगे की ओर आना है और जहाँ तक हमारा फोटो मतलब है उसके आगे के प्रोसेस को आपको मतलब आगे भी फोटो को ऐड करना है। गाइज फोटो को ऐड करने के लिए आपको सिंपली प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, देन मीडियम चले जाना है। और गाइज मीडियम जाने के बाद आपको नेक्स्ट फोटो को इस तरह से लाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट बिट पर आना है और इसका एक्स्ट्रा पार्ट को इरेज कर देना है। तो गाइज इसी तरह से आपको वन बाई वन करके फोटोज़ को ऐड करते जाना है और नेक्स्ट बिट पर एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से इरेज कर देना है। भाई चलिए फटाफट से सारे फोटोज़ को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज आप देख सकते हो मैंने जिस तरह से फोटो को ऐड किया, आपको भी कुछ इस तरह से फोटोज़ को ऐड कर देना है। देन गाइज ऐड करने के बाद आपको सिंपली हो जाना है यहाँ से बैक और गाइज अपना शेक इफेक्ट फाइल को ओपन करना है। तो गाइज हमारा जो नीचे वाला इफेक्ट है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको नीचे वाला लेयर पर क्लिक करना है, देन यहाँ से इफेक्ट में मतलब क्लिक करना है और गाइज यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइज इस तरह से कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। देन गाइज हमारे जहाँ से फोटो मतलब मैंने ऐड किया है, ठीक है, स्टार्टिंग वाला ग्रुप को छोड़ के, ठीक है, जहाँ से हम लोग फोटो को ऐड किए हैं वहाँ पे आपको सारे फोटोज़ पे चले जाना है और यहाँ पे फोटो पे क्लिक करने के बाद इफेक्ट में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे फिर से मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से समझिएगा, फोटो पे क्लिक करना है, देन इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइज इसी तरह से वन बाई वन करके मैं सारे फोटोज़ को ऐड कर जाता हूँ और देखिएगा इस तरह से आपको इफेक्ट को ऐड करना है। और थोड़ा सा वीडियो करते हैं स्किप और सारे इफेक्ट को करते हैं ऐड। तो गाइस सारे इफेक्ट्स को आपको ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि HDR जो हमारा लेयर है उसको आपको ऐड करना है। तो गाइस उसके लिए आपको शेक इफेक्ट फाइल को ओपन करना है, देन हमारे यहाँ पे ऊपर आपको चार लेयर्स देखने को मिलेंगे। तो गाइस आपको चार लेयर्स पे इस तरह से होल्ड प्रेस करना है और यहाँ पे आपको चारों लेयर को सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके कॉपी फोर लेयर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो गाइज यहाँ से आप जैसे ही कॉपी फोर लेयर्स पे क्लिक करोगे आपको अपना बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है। देन आपको जहाँ से हमारा बीट स्टार्टिंग है वहाँ पे आपको क्लिक करना है और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके
पेस्ट फोर लेयर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सो गाइस पेस्ट फोर लेयर पे क्लिक करके तो आपका हमारा चार लेयर मतलब कुछ इस तरह से हो जाएगा। देन आपको लास्ट में आना है, और आने के बाद आपको क्या करना है कि वन बाय वन करके यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ से स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके लास्ट तक इसे इंक्रीज कर देना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आपको इसी तरह से चारों लेयर्स को लास्ट तक इंक्रीज कर देना है। तो गाइस इसी तरह से चलिए देख सकते हो मैंने यहाँ पे तीन लेयर्स को इंक्रीज किया, और यहाँ पे लास्ट वाले लेयर को भी मैं इस तरह से कर देता हूँ, ठीक है। देन हमारा स्टेटस बन के रेडी हो चुका है, आपको यहाँ से क्लिक करके वीडियो को कर देना एक्सप्लोर, आपका वीडियो 2 से 3 मिनट बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइस आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के लिए लाइक कर दिया, और गाइस ऐसी एडिटिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस आपका भाई हमेशा ऐसी एडिटिंग लेके आते रहता है। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।